गर्ल्स, वेलकम माई न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जी आज संडे है और बच्चे सब घर ही हैं, छुट्टी है इनको, तो जी बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं। तो नया नया घर है तो जी ये रोज़ यही हमारा सिस्टम होता है और यही बातें होती है, क्योंकि ये इनका दिल वहाँ पे लगा हुआ था। तो बस यही बातें अब इसे करती रहती है कि मम्मा जी वहाँ की घर की याद बहुत आती है, और जब वहाँ गली में जाते हैं तो अपने घर को देख के बहुत याद आती है। क्योंकि शैनन नैनन छोटी सी थी तो जब इन्होंने वहाँ पे होश अपनी संभाली है तो इसलिए इनका दिल वहाँ पर लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये अपना घर है तो यहाँ पर आसा आसा दिल लगेगा। और इसके लिए देखे जी चाचू के बेटे भी आए हैं, बेटी भी है और जोया है, जोइल है, तो आस्ता आस्ता इनके साथ दिल लगेगा। तो अभी मैंने थोड़ी सी सफाई की है घर की, तो उसके बाद खाने का सोच रहे हैं। आज क्या पकाना है शैनन, आज क्या पकाना है? भिंडी पकाते हैं। तो आज शैनन कह रही है जी आज हमने भिंडी पकानी है, भिंडी तोड़ी। तो एनन कह रही है हमने आलू गोभी पकानी है। पापा आलू गोभी ले जाएंगे। तो जी दोनों को अभी यही चल रहा है कि वो कह रही है आलू गोभी खानी है, वो कह रही है भिंडी खानी है। तो भिंडी तो ठीक है, तो काफ़ी साल बाद पकाएंगे तो अच्छी लगेगी, आलू गोभी तो आप खाते रहे हैं। तो जी बस यही चल रहा है घर में, तो खूब इनकी मस्ती भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है, बहुत आपस में लड़ाई भी कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा बस इनके साथ ही वक्त गुजर रहा है, शुक्र है। और ये देखिए जी सिनारा हमारी मोबाइल लेकर बैठी हुई है, गाने सुन रही है। ये जोन सी ना छत बदलनी है तो इसके गार्डर और टीआर भी आ गए हैं और सीमेंट भी ले आए हैं। और इसके बाद जी ये हमने रेता जोन सी होती है ना वो भी ले ली है। तो ये देखिए जी रेत भी पड़ी है, अब ईंटें मंगवानी है, टैले मंगवानी है और वो काम शुरू करवाना है। और साजन चले गए हैं जी काम पर, तो ये देखे। और ये देखे जी मेरे सर्दियों के कपड़े बांध के रखे हुए हैं और अब पहने नहीं जा रहे, बच्चे कह रहे हैं गर्मी लग रही है, तो मुझे भी लग रही है। मेरे भी कपड़े अभी निकालने वाले हैं, पेटी से और पेटी हमारे पुराने घर में पड़ी है। क्या घूम गया है? अच्छा हाँ। तो जी ये बस अब ये पड़े हैं, तो मैं अभी साजन से कह रही थी कि वहाँ से पेटी से ना हम कपड़े निकाल कर लेकर आए, और साजन फिर चले गए काम पर तो फिर ये काम रुक गया है हमारा। तो वहाँ पर जी हमारे काफ़ी क्या कहते हैं रौनक थी आसपास घर थे, और काफ़ी रौनक लगी रहती थी, बाहर दुआ होती थी, चर्च लगता था। तो यहाँ पर ये देख लें जी ये अम्मी लोगों का घर है, और इधर की साइड पे हमारा कोई घर नहीं है, ऐसे ही है सारा, बस हमारा घर इधर अकेला अकेला सा। तो अब यही रूटीन है अभी घर की, आस्ता आस्ता हमारी अब सेटिंग होगी। तो क्या ढूंढ रही हो? तो चर्च जी हमने अब शाम को जाना है, चर्च हमारा शाम को 4 बजे लगना है और सुबह को नहीं लगा था, तो चर्च हम अपने पुराने चर्च ही जाएंगे। हो गई थी तो मैं बच्चों को निकाल कर दे रही हूँ रोल, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, बर्तन वो इसलिए नहीं धोए क्योंकि संडे था, लेट उठे थे तो पानी भर नहीं हुआ, तो ऊपर से लाइट चली गई तो पानी बिल्कुल ही ज़्यादा बंद हो गया। तो अब दोपहर को आने वाला है तो 1:30 बजे पानी आ जाएगा, 1:45 हो गया। तो जी हाँ कोल्ड ड्रिंक भी आ गई और साथ ये खा लो, तो ये वाले बर्तन भी वो वाले बर्तन भी साथ ही हम धो लेंगे, ठीक है ना। तो शनारा हमारी वेट कर रही है और अम्मी को भी बुलाया कि अम्मी आप आ जाएं, तो रोल फ्राई होते हैं तो फिर जी सबको सर्व करते हैं। और जोइल और जोया भी आ गए हैं, और ये देखें जी जितना भी काम कर लें ना बच्चे नहीं रहने देते, बस जी बच्चों ने जी सारा काम खराब करना ही होता है। तो शैनन आप अंदर आ जाओ, गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। जी गाइस अब शाम हो गई है और 7:30 टाइम हो गया है और चर्च से हम होकर आ गए हैं, तो आज शाम को चर्च लगना था और उसके बाद आकर मैंने फिर ये यूनिफॉर्म धोए हैं बच्चों के, और इसके बाद जी अब दूध उबालने लगे हैं। और गैस देख लें जी बहुत थोड़ा हल्की हल्की आँच आ रही है, तो बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि बाहर घूम के आएँ, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि ना दूध को उबाला आ ही जाए तो फिर ही जाते हैं, ये जोन सी गैस आ रही है ना ये भी ना चली जाए। तो अभी शैनन एनन बाहर वेट कर रही हैं और उसके पापा भी शनारा भी, तो बाहर घूम के आएंगे और पिछली गली में जाएंगे और वहाँ पे सबसे मिल के आएंगे। और शैनन ना बेताब है बाहर जाने हैं घूमने के लिए, तो ये कह रही जल्दी जल्दी से दूध को बाला आ जाए, तो हमें ये डर है कि ये भी गैस हमारा चला ना जाए। तो बच्चे यहाँ पे अकेले रहते हैं तो बाहर घूमने के लिए कावले हैं, पाली भी है, इसकी बहन भी है,
फंसा। तो चलो जी बस अब थोड़ी सी देर है, इंतजार कर रहे हैं कि जी दूध का उबाला आ ही जाए, आने वाला है। तो जी गाइस रात को हम काफ़ी लेट आए थे और का रिश्तेदारों के पास घूम फिर के उनके साथ मिल के आए थे, मलाइका के घर में गए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वीडियो नहीं बना सके। और सुबह हो गई थी, फिर बच्चों ने स्कूल जाना था तो स्कूल भेजा उनको, उसके बाद घर की सफाई की है। और शिनारा हमारी अंदर सो रही है, सोलर फैन चल रहा है, सोलर फैन के जो ऊपर तोड़ दिए थे नन्ने वो डलवा लिए हैं। और यहाँ पे हमारी लाइट गई हुई है अभी, तो काफ़ी देर हो गई है, सुबह से गई अभी तक आई नहीं है। और साथ ही अभी घर का काम भी चल रहा है साथ साथ। और ये देखे जी हम ना ये वाली छत जो उनसे ना वो डलवा रहे हैं, तो ये TR है और ये गार्डर साजन ने खुद ही फिट किया है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। और ये जो उनसे दीवार है ये भी बाहर से आपसे कहा आपको दिखाती हूँ, वो भी खुद ही की है। और ये वाली जो उनसे छत है ना, फिर हम ये उतार देंगे तो TR और गार्डर वाली छत हम डाल लेंगे इसमें। तो अभी घर का काम भी साथ साथ ही चल रहा है और आपने हमारे साथ बने रहना है। तो देखिए ये दीवार साजन ने खुद ही बनाई है, पिलर साज उनसा कहते होते हैं वो, और ये गार्डर रखा है, TR रखा है। तो अब मिस्त्री की बस देर है। और बाहर जो उनसे है ना वो टैले भी आ गई हैं, ईंटें भी आ गई हैं। ये देखिए जी ये टैले हैं, ये ईंटें हैं और रेत और सीमेंट है, और सीमेंट की एक और बोरी चाहिए। और साजन का चले गए हैं काम पर, साथ साथ काम भी कर रहे हैं अपना कलर वाला। तो ये देखिए जी जोया, तो जोया को चैन नहीं आ रहा तो बार बार आ रही है शिनारा को देखने के लिए, शिनारा सो रही है, शोर नहीं करना। अच्छा जी साजन ऊपर छत डाल रहे हैं, TR गार्डर फिट कर लिए हैं और टैले लगा रहे हैं, खुद ही किया है। और अब ये छत उतार देंगे और पाली भी साथ लगी हुई है, बाहर से दिखाते हैं, यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये देखिए जी इधर से, ध्यान से जी ध्यान से एक टैल गिर गई नीचे, बचत हो गई है। और साथ में आप खुद ही फिक्स कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद ही करूँगा सब। नीचे टैल गिरी थी तो टूट गई है, शुक्र है कोई इधर है नहीं था, बच्चा नहीं था, मैं नहीं थी, मैं बर्तन धोने लगी थी यहाँ पर बैठ कर, तो मैं ना चली गई वीडियो बनाने, तो बचत हो गई है जी, खुदा का करम है। और ये देखिए जी बच्चे तो लाइट भी आ गई है, ये देखे जी सुबह से गई है और अब आई है 2 बजे। दोपहर को हम जी खाना बना रहे हैं, परांठा रोल, तो हल्के हल्के से थोड़े से ये मैंने बनाई थी रोटियाँ, तो गैस चला गया है, बिल्कुल चला गया तवे पर, रोटी तो चला गया है। यहाँ पर 2 बजे के बाद ही गैस बंद हो जाता है। तो साजन ऊपर छत डाल रहे थे तो उन्होंने ये मिक्सचर बनाना था, तो मैं उनका वेट कर रही थी, और क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा ही अच्छे लगने थे, फ्रेश फ्रेश गर्म गर्म से, और साथ बनते जाएंगे और साथ ये फिलिंग होती जाएगी, तो मज़ा आना था। और शैनन का भी टाइम हो गया था, उसका भी वेट कर रहे थे, 2:30 हो गए, तो स्कूल से आने वाली है तो गर्मा गर्म खा लेगी। तो ऊपर जी क्या कहते होते हैं गैस ने साथ छोड़ दिया और साथ में सिलेंडर भराने गए हैं, तो अब उस पर काम शुरू करते हैं और फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं मज़ेदार से परांठा रोल। तो जी सब बैठ गए हैं परांठा रोल खाने के लिए, और तैयारी शुरू है और सब चीज़ें डाल रहे हैं, मिक्सचर भी तैयार हो गया है, मलाइका भी आ गई है। यहाँ पे चली गई है लाइट, सारे बच्चे बाहर आ गए हैं, पाली भी शैनन भी फसा भी जुनजुन भी और ये शैतान बच्चा लुगा भी और सब बाहर आ गए हैं, तो लाइट चली गई है तो बाहर बैठे हैं, तो एक कैट फिर रही है, तो यहाँ पे ना डॉगी भी है, तो जो पीछे पड़ जाता है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो आ ना जाए यहाँ से। हाँ तो शिनारा गई अपने पापा के साथ चील लेने, उसको अंधेरे में भी चैन नहीं आ रहा था। हाँ अभी नहीं आया, आ जाओ इधर, डॉगी है वहाँ पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ
तो जी गैस आ गया है, तो मैं ना खाना बनाने लगी थी। खाना तो बना ही है, मतलब के कड़ी थी इसके चाचू ने लोगों ने पकाई हुई थी कड़ी, तो वो हमें दे गए हैं, तो वो अब हम खाएंगे। ये देखिए जी रोटी बना लेते हैं साथ, ठीक है। तो अंधेरा बहुत है अंदर, आपने क्या लेना है? अच्छा जी, अब बनाते हैं रोटियां। तो थोड़ा सा अभी आटा जो सारा मैंने गूंदा है, तो फिर रोटियां शुरू करती हूँ बनाने के लिए। गाइस रात हो गई और सारे काम खत्म हो गए, बच्चे भी थक कर सो गए हैं, सुबह उठते और स्कूल जाने के लिए, और फिर बाद में भी ऐसे टाइम गुजरता है पढ़ाई में खेलने में, तो थक के सो गए हैं। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और थोड़ी सी मिक्सिंग है वीडियो, क्योंकि संडे वाली भी थोड़ी सी है और आज वाली भी है, और इसलिए दोनों को मैंने मिक्स करके डाल दिया है कि आज की रूटीन भी थोड़ी सी कल की रूटीन भी आपसे शेयर की जाए। और तब तक के लिए बाय बाय।